साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाने वाला पीटीआई का तंजीमी ओहदेदार निकला। गवर्नर पंजाब के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुदई बदर रशीद खान हीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग रावी टाउन का सदर है और इसकी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस पंजाब ने नून लीगी कायदीन के खिलाफ मुकदमे के मुदई से लातालुकी का इजहार किया है। तर्जुमान गवर्नर हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बगावत के मुकदमे के मुदई का गवर्नर पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर पंजाब से हजारों अफराद मुलाकात करते हैं। तर्जुमान का कहना था कि मुलाकात के लिए आने वालों की तस्वीर बनाना मामूल की बात है। गवर्नर चौधरी सरवर सियासत में वसादारी के कायल हैं और मुखालिफीन के खिलाफ किसी मुकदमे या इसकी हौसला अफजाई का सवाल ही नहीं होता। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा लाहौर के थाना शादरा में दर्ज किया गया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया, जबकि हुकूमत ने इस मुकदमे से लातालुकी का इजहार किया है।